गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडीज ऑफ मैक्स वैन प्ले स्कूल। टुडे इज आर हिंदी टर्न एंड वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी लेटर्स एंड डू एक्टिविटी। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस? अ, अ से अनार। देन आ, ये क्या होता है? आ, आ से आम। ई, ई से इमली। इस पर कोई मात्रा नहीं होती, इसे पढ़ते हैं हम ई, ई से इमली। फिर इसके ऊपर मात्रा लग जाती है तो ये हो जाता है ई, ई से ईख। ई, उ, उ से उल्लू। उ, उ, उ पे मात्रा लग जाती है वाली, उ, उ से ऊन। री, री से ऋषि। ये क्या होता है? री, री से ऋषि। फिर आता है ए, ए से होता है एड़ी। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, इसे अच्छे से ही होता है ए, ए से एड़ी। फिर इसके ऊपर जब मात्रा लग जाती है तो ये हो जाता है ए, ऐसे ऐनक। ए, ऐसे ऐनक। फिर ये जो आ से आम की तरह होता है, इसके ऊपर मात्रा लग जाती है, ये होता है ओ, ओ से उगली। ओ, फिर आता है ओ, ओ से औरत। ओ, ओ से औरत। इसके ऊपर होती हैं दो मात्राएं। फिर आता है अंग, इसके ऊपर एक बिंदी होती है। अंग से अंगूर, आहा खाली। अंग, अंग से अंगूर, आहा खाली। फिर आता है क, ये क्या होता है? क, ये है क, ऐसे ऐसे करके जो बना हुआ होता है हम इसे पढ़ते हैं क, क से कबूतर। क, क से कबूतर। ख, ख से खरगोश। ख, ख कैसे बनता है? ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे। ख, ख से खरगोश। फिर आता है ग, ये होता है ग, ग से गमला। ग, ग से गमला। फिर आता है घ, क्या होता है ये? घ, घ से घड़ी। घ से घर। घ से घंटी। और ये होता है ण, ण खाली। घ, घ से घर, घ से घंटी, ण खाली। फिर आता है च, क्या है ये? च, च, च से चरखा। ऐसे करके ऐसे किया, ऐसे, ये होता है च, क्या होता है ये? च, च से चरखा, च से चपाती, च से चम्मच। च, च। फिर आता है छ, ये होता है छ, छ से छड़ी, छ से छतरी, छ से छलनी। छ, छ, च, च से चरखा, छ, छ से छड़ी। ज, ठीक है, हमने पढ़ा था च, फिर आता है छ, फिर आता है ज, ज, ज से जहाज, ज से जग, ज से जलेबी। ये होता है ज, ठीक है, क्या है ये? ज, ज, इस अच्छे से देखिए, पहचान कीजिए। और ये कौन सी पिक्चर है? ज से जहाज, ज से जग, ज से जलेबी। फिर आता है झ, झ से झरना, झ से झंडा। ये है झरना। झ, क्या होता है ये? झ, ऐसे ऐसे करके जो बना होता है हम इसे पढ़ते हैं छ, झ से झंडा, झ से झरना। फिर ये आता है वा, वा खाली, वा खाली। तो आज हमने फोर लेटर्स रीडिंग में पढ़े हैं, ठीक है। रीडिंग आपको याद आनी चाहिए, क से ना तक हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे च, च से चम्मच, च से चरखा। फिर क्या आता है? था ना, ये था च, च से चरखा, च से चपाती, च से चम्मच। च पढ़ा है आज हमने। फिर हमने पढ़ा है छ, छ से छड़ी, छ, छ से छ। फिर है ज, क्या है ये? ज, ज से जहाज, ज से ज, ज से जलेबी। फिर ये है झ, छ से झंडा, वहाँ खाली, ठीक है। च से चरखा, छ से छड़ी, ज से जहाज, झ से झंडा, वहाँ खाली। इसकी आप अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। आपको जितने भी लेटर्स इनमें से लर्न हो रहे हैं आप अभी सुनाइएगा मुझे, बाकी अच्छे से रीडिंग करके रखिएगा और मैं आपसे सुन लूँगी, ठीक है। फिर आज का हमारा रिटिन वर्क है, ये हमें अपनी बुक में वर्क करना है, रिटिन बुक में। ये है, क्या है ये आपको दिख रहा है? ख, ख से क्या होता है? खरगोश, ठीक है। तो अपनी पेंसिल पकड़ेंगे आप, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, फिर इसको टर्न करके नीचे ऐसे ले आएंगे, ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। क्या हो गया ये? ख, ठीक है। ऐसे किया, ऐसे करके फिर नीचे ले आए, ऐसे किया और ऐसे टर्न कर दिया, ये हो गया ख, ख से
खरगोश। बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स खुद आपको ट्रेसिंग करनी है, ठीक है, मम्मी का हाथ पकड़ के नहीं करनी है और ना ही उनसे करानी है, आप खुद कोशिश करेंगे। ट्रेसिंग तो आप सब आ ही गई होगी, ऐसे किया ऐसे और ऐसे, ठीक है, बहुत अच्छे से वर्क करना है। और कौन सा वर्क है, ये कौन सा लेटर है, ख, ख से खरगोश।